इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट फूड फूड हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ फूड होते हैं, रॉ फूड, कुक फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लोथ्स. आज हम क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे. क्लोथ्स इज ऑल्सो अवर सेकेंड बेसिक नीड्स. ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. ओके, तो क्लोथ्स, वाई डू वी वेयर क्लोथ्स, हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? बिकॉज क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. क्लोथ्स हमें गर्मी से बचाता है, ठंड से बचाता है और बारिश से बचाता है. ओके, हीट का मतलब गर्मी, कोल्ड का मतलब ठंड और रेन का मतलब बारिश. इन तीनों चीज़ों से हमें क्लोथ्स, इन तीनों चीज़ों से बचने के लिए हम क्लोथ्स पहनते हैं. और ये क्लोथ्स हम डिफरेंट सीजन में डिफरेंट तरह के क्लोथ्स पहनते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. हम कौन से क्लोथ्स कौन से सीजन में पहनते हैं या कौन से ओकेजन में पहनते हैं. नंबर वन, कॉटन क्लोथ्स. कॉटन का मतलब होता है सूती और क्लोथ, सूती कपड़े. सूती कपड़े कहाँ, कब पहनते हैं हम लोग? वी वेयर इन समर सीजन, गर्मी के मौसम में पहनते हैं सूती कपड़े. अभी कौन सा मौसम चल रहा है? गर्मी का मौसम चल रहा है, तो सूती कपड़े पहनते हैं. सूती मतलब एकदम पतले पतले कॉटन के कपड़े होते हैं, वो पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? बिकॉज दे कीप अस कूल, वो हमें ठंडा रखता है इसीलिए. ओके, सो कॉटन क्लोथ्स हम किससे बनाते हैं, कहाँ से मिलता है हमको कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए मटीरियल? वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, कॉटन मिलता है. हमें सूती कपड़े के लिए, सूती कपड़े बनाने के लिए हमें मटेरियल कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से. रुई का पेड़ होता है, उससे कॉटन मिलता है और उससे हम कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं. नाउ नंबर टू, वुलन क्लोथ्स. वुलन मतलब ऊनी वस्त्र, ऊन से बने हुए वस्त्र. ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ऊनी वस्त्र हम किससे बनाते हैं? वी गेट वूल फ्रॉम शिप. जो शिप होती है उसके ऊपर जो वूल होता है, ऊन होता है, उससे ऊनी कपड़े बनते हैं. जैसे स्वेटर, शॉल हम ये सर्दियों में पहनते हैं, ये कहलाते हैं वूलन क्लोथ. और ये कहाँ से बनते हैं? वूल से. और वूल हमें कहाँ से मिलती है? शिप से मिलती है. ओके, तो ये कौन से सीजन में पहनते हैं? वी वेयर इन विंटर सीजन, ठंड के मौसम में पहनते हैं, सर्दी के मौसम में पहनते हैं. और क्यों पहनते हैं? दे कीप अस वार्म, वो हमें गरम रखते हैं, इसीलिए हम स्वेटर और शॉल पहनते हैं सर्दियों में. ओके, देन नंबर थ्री, रबर क्लोथ्स. रबर क्लोथ्स आपको बताया ना, रबर से बनता है रबर क्लोथ्स. ओके, रबर क्लोथ्स मतलब बारिश में पहनने वाले रेनकोट्स, गम बूट्स, ये सारे किससे बनते हैं? रबर से बनते हैं या प्लास्टिक से, इसलिए इनको बोलते हैं रबर क्लोथ्स. और ये कौन से सीजन में पहनते हैं हम लोग? रेनी सीजन, मतलब बारिश के सीजन में. क्यों पहनते हैं? बिकॉज दे कीप अस ड्राई, हमें सूखा रखते हैं, इसलिए हम रेनकोट पहनते हैं, गम बूट्स पहनते हैं, तो हम गीले नहीं होते. सो वी गेट, और ये रबर क्लोथ्स हम किससे बनाते हैं? रबर से या प्लास्टिक से बनते हैं. इसके अलावा एक और तरह का क्लोथ्स होता है जिसको हम बोलते हैं सिल्क क्लोथ, जो हम स्पेशल ओकेजन में पहनते हैं. सिल्क क्लोथ शादी ब्याह वगैरह फंक्शंस होते हैं उनमें पहनते हैं. कैसे कपड़े पहनते हैं? सिल्क क्लोथ. ये कब पहने जाते हैं? ज़्यादातर सर्दियों में हम लोग सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के शर्ट्स वगैरह पहनते हैं. तो सिल्क क्लोथ, सिल्क क्लोथ्स बनाने के लिए हमें मटेरियल कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म. सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, उससे हमें सिल्क क्लोथ्स बनाने के लिए मटेरियल मिलता है. और ये हम कब पहनते हैं? स्पेशल ओकेजन्स पे, फेस्टिवल्स पे. ओके, और ये कैसा होता है? सिल्क क्लोथ इज वेरी सॉफ्ट एंड शाइन, बहुत नरम होता है, सॉफ्ट होता है और चमकदार होता है, शाइन करता है कपड़ा. नाउ अब हम पढ़ेंगे फाइबर्स के बारे में. फाइबर्स किसे बोलते हैं? फाइबर्स का मतलब होता है रेशे. क्या होता है? रेशे, जिनसे कपड़े बनते हैं, बनते हैं, उनको बोलते हैं फाइबर्स. तो हम दो तरह के फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स और मैनमेड फाइबर. नेचुरल फाइबर्स का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक फाइबर्स, मतलब जो हमें अपने प्रकृति से मिलते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल फाइबर, जो अपने कुदरत से हमें मिलते हैं. जैसे कॉटन है, कॉटन ऑटोमेटिक हमें पेड़ पे, कॉटन पेड़ पे उगा हुआ मिलता है. वूल है तो एनिमल शिप से मिलता है. और सिल्क है तो ये सिल्क वॉर्म से मिलता है. तो ये कैसे है? हमारे को ये प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है, इनको हमें बनाना नहीं पड़ता. कॉटन कॉटन प्लांट से मिल जाता है,
नेचुरल फाइबर जो हमारी प्रकृति से मिलते हैं, और फिर इनसे हम क्या बनाते हैं, कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं, वुलन क्लोथ्स बनाते हैं, सिल्क क्लोथ्स बनाते हैं। देन नेक्स्ट फाइबर इज मैन मेड फाइबर। मैन मेड का मतलब होता है हम इंसान द्वारा जो फाइबर्स बनाए जाते हैं, रेशे बनाए जाते हैं, इसको आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। ओके, जैसे प्लास्टिक है ये हम बनाते हैं, नाइलॉन, रेयन, ये सारे कैसे फाइबर्स कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि क्लोथ्स हमारे लिए क्यों जरूरी है और कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हमें कब कब पहनने चाहिए। थैंक यू।